जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। तो ये है हमारे पास दोस्तों वॉल स्टिकर, जो कि आपने बहुत ज़्यादा देखा होगा, यूट्यूबर हैं वो बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं इसको, तो बहुत ज़्यादा फेमस है यूट्यूबर्स के अंदर ये, क्योंकि इसका कलर वो बहुत ज़्यादा प्यारा है और मेरे को डेफिनेटली ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, और इसलिए मैंने इसको मंगवाया है। और आपको एक वीडियो दे रहा हूँ इसके बारे में, ताकि आपको थोड़ा पता चल सके अगर आप इसको बाय करना चाहते हैं तो इसकी अनबॉक्सिंग वीडियो आप देख लो, क्योंकि ज़्यादा इसमें अनबॉक्सिंग में कुछ खास है नहीं, लेकिन फिर भी दिखाना पड़ता है कि क्या कुछ आपको देखने को मिलता है, तो आप देख लो, फिर उसके बाद मैं आगे की बातें करूँगा। तो अगर इसके बारे में बताऊं तो यहाँ पे ये वॉल स्टिकर मैंने वॉलबेरी ब्रांड की तरफ से मंगवाया है। हालांकि ज़्यादातर लोग इसको वॉलटॉप की तरफ से मंगवाते हैं, लेकिन ये उस टाइम मेरे को सस्ता मिल रहा था, 200 रुपये मैंने इसको मंगवाया, 200 रुपये की प्राइस पे मेरे को ये मिल रहा था, तो मैंने इसको मंगवा लिया था। तो अब बात करते हैं इस स्टिकर के बारे में। तो देखिए, अगर इसकी क्वालिटी की बात करें तो डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का है ये। क्वालिटी के मामले में मेरे को यहाँ पे कोई शिकायत नहीं है। और अगर इसके मैं यहाँ पे बात करूँ ये किस तरह की यहाँ पे फिनिशिंग है, तो यहाँ पे मतलब ये रबर टाइप का लगता है मेरे को। अगर मान लो इस पर आप पानी वगैरह के छींटे लगते हैं या गीले कपड़े से इसको साफ़ करते हो, तो इसको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली, इजीली आप इसको क्लीन कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करें इसकी लेंथ की, जो कि सबसे ज़्यादा डाउट रहता है दिमाग में हमारे, कि जो ऑनलाइन जो प्राइसिंग होती है उस हिसाब से जो भी यहाँ पे जो मेंशन होती है डायमेंशन, क्या वो पूरी मिलती है हमें। तो मेजरमेंट की बात करें तो यहाँ पे जो इसकी मेजरमेंट है वो आपको पूरी कंप्लीट देखने को मिलती है, 45 सेंटीमीटर इंटू 600 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे डायमेंशन इसकी बिल्कुल भी कम नहीं है कहीं से भी। अब इसकी बात करते हैं एडहेसिव की, तो जो एडहेसिव है दोस्तों वो मतलब चिपकने वाला जो होता है वो मेरे को इतना ज़्यादा खास नहीं लगा। बाकी इसको मैं चिपकाने के बाद ही कुछ बता सकता हूँ, दीवार पे मैंने अभी इसको चेक नहीं किया, लेकिन अगर इसको उतार के हम हाथ से चेक करते हैं तो मुझे इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वो नहीं लगा। तो देखते हैं वो तो क्या रहता है। बाकी भाई ओवरऑल अगर मैं इसको बताऊंगा तो 200 रुपये के प्राइस के हिसाब से और इसकी क्वालिटी के हिसाब से एक बहुत अच्छा स्टिकर, आप डेफिनेटली इसको बाय कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। बाकी आपका अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर से करूँगा। और आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको समझ में आ गया होगा स्टिकर के बारे में, मैंने सारा कुछ बता दिया। और एक डाउट मैं आपका क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अगर आप इसको बाय करना चाहते हैं, तो जैसे कि आपकी कोई भी आईडी है फ्लिपकार्ट पे, तो या फिर अमेजोन कहीं से भी आप मंगवा रहे हो, मान लो फ्लिपकार्ट पे ज़्यादातर मिलता है ये, तो वहाँ से अगर आप मंगवा रहे हो आपकी आईडी, तो उसमें आपको पता है कि आपका शिपिंग चार्जेस लगता ही लगता है, 40 रुपये या 50 रुपये आपका शिपिंग चार्ज लगता है। तो अगर आप उसको अवॉइड करना चाहते हैं, फ्री में बाय करना चाहते हैं, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आपका कोई ऐसा फ्रेंड जिसने कि सुपरकॉइंस वगैरह यूज़ करके फ्लिपकार्ट प्लस मेम्बरशिप है वो ज्वाइन कर रखी है, तो वहाँ पर उसका जो मतलब डिलीवरी चार्ज है वो नहीं लगेगा, तो आप उससे मंगवा सकते हैं उसके अकाउंट से, तो आपको वहाँ पे बेनिफिट हो जाएगा। तो जिसका एक्चुअल प्राइस जैसे भी 200 रुपये में मिल रहा है, तो आप 200 रुपये में ही आपको मिल जाएगा देखने को, तो आप कुछ उस तरीके से भी मंगवा सकते हैं, वो आपके लिए सही रहेगा। अदरवाइज़ आप इसके साथ अगर डिलीवरी चार्जेस देते हैं तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि वो फालतू के एक्स्ट्रा पैसे आपके लग रहे हैं, तो उतने रुपये का आप बचत कर सकते हैं। तो बस ये इतना ही था इस वाली वीडियो में, आई होप कि वीडियो आपको पसंद आएगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।